अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा जो फीमेल हीट पे नहीं आ रही होती या पैर हीट पे नहीं आ रहा होता, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा कि कैसे उसको हीट पे लाया जाता है। क्योंकि हीट पे नहीं आएगा पैर तो ब्रीड नहीं करेगा, तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, वो आपने अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह ब्रीड ज़रूर आएगी। जैसा कि आपको पता ही है फीमेल एक हीट पे नहीं आ रही मेरी, उसके अलावा एक ये फीमेल है जो हीट पे नहीं आ रही, एक ये फीमेल है हीट पे नहीं आ रही, बाकी ये तो पैर ने आके दे दिए हैं, इसने भी ब्रीड की हुई है, और एक और इधर पैर है उसने भी ब्रीड कर दी हुई है। तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो मेरी ब्रीडिंग के प्रोग्रेस के पड़ी आएगी, और उसके अलावा एक मैं आपको फार्मूला बताऊँगा, कुछ टिप्स होंगी उसके अंदर, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप लोगों के बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे तो वो अप्लाई करें, 100% उसका प्रोग्रेस, ब्रीडिंग प्रोग्रेस ज़रूर आएगी। वो मैंने भी अप्लाई किया, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह से ब्रीड बहुत अच्छी है। तो जी वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने सबसे पहले ले लेना है जी मिक्स दाना। मिक्स दाना आपको किसी भी बर्ड शॉप से मिल जाएगा। आजकल जो मिक्स दाना आ रहा है उसके अंदर ये सूरजमुखी के बीज और ये सफ़ेद चीज़ और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हैं, क्योंकि ये ब्रीडिंग सीजन का दाना होता है, ये वैसे भी ब्रीडिंग के लिए बर्ड को रेडी करता है। तो इसके अंदर आप लोगों ने एक दो चीज़ और डालनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखते होंगे मेरे हाथ में, ये इवियोन कैप्सूल हैं, विटामिन ई कैप्सूल होते हैं ये 400 mg वाले हैं, 200 mg वाले भी होते हैं, 600 mg वाले भी होते हैं। तो आपने 400 mg वाले ले लेने हैं तीन, और उन्हें आपने डाल देना है 1 किलो सीड, जो आप 1 किलो दाना लेंगे उसके अंदर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ आपने डालने किस तरह। आपने सिंपली इसको पकड़ना है, इसके अंदर से जो लिक्विड होता है आपने उसको बाहर निकालना, कटर या किसी सुई की मदद से आप काट लें, तो अपने हाथ के आपने निचोड़ फुल इसको निचोड़ के इसी तरह आपने तीनों निचोड़ लेने हैं। ये आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने तीनों कैप्सूल इसके अंदर निचोड़ दिए, बाकी ये दो तीनों पड़े हुए हैं। ये हाल ही हो रहा है कि आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं इनको, ना डालें, और चाहे तो डाल भी सकते हैं। तो ये आप देखें मैंने ये लिक्विड सारा अपने हाथ में डाल लिया। दो तरीके होते हैं, एक आप लोग इसको या तो डायरेक्ट इसके ऊपर डाल सकते हैं, या इसके ऊपर डाल के अपने हाथ को इस तरह आप मिक्स करें, इस सारा लिक्विड आपके हाथ को लग जाएगा। जैसा लग गया फिर आपने इस तरह दाने को लगाना शुरू करना है। इस तरह ये होगा कि आपके सारे दाने को ये लग जाएगा। तो आपने ये इस तरह लगाना शुरू कर देना, इस तरह आप मिक्स करें सारा दाना। जब आपको लगे कि सारे दाने को लग गए, दाने में चमक आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर आपने इसको छोड़ देना। तो इसी तरह आप मिक्स करें, 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो ये जैसे ही मिक्स होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों 4 से 5 मिनट मिक्स करने के बाद ये देखें दाने में चमक आ गई है, दाने को लग गया है सारा। आप मेरे हाथ देखें सारे सूख चुके हैं इस टाइम। तो ये 1 किलो दाने के अंदर मैंने ये 3 कैप्सूल डाले हैं। अब आप लोग अपना अंदाज़ा लगा लीजिएगा, 1 किलो में 3 है, तो जितने आपका भी किलो होगा उस हिसाब से आप लोग उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये थी भी आज की वीडियो। तो अगर आप लोगों के बर्ड इससे भी नहीं ब्रीड करते तो एक और मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक अंडा लेना है, अंडा कच्चा अंडा जैसा होता है, वो आपने 1 किलो दाने के अंदर एक अंडा वो आप डाल सकते हैं, और लेकिन वो दाना आपका 1 हफ्ते या 1.5-2 दिन तक चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं आपने उसको रखना, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड है, पहले आप ये ट्राई करें, अगर इससे नहीं बात बनती तो फिर उसके ऊपर जाएँ। तो ये दाना आप तैयार है इनके लिए बिल्कुल, इसको हम यूज़ करवाएंगे। ये आप दाना जैसे ये आप इसको तकरीबन 1 महीने तक ही चल सकते हैं, उसके बाद ये भी ख़राब हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही कमाल की हैं। अगली वीडियो इंशाल्लाह टिप्स के ऊपर होगी, ब्रीडिंग टिप्स, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और आपको भी रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा।
और उसके अलावा ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फिर ईमान अल्लाह।